कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट किए हैं, एड्रेसिंग मोड। तो इस वीडियो में मैं आपको सारे के सारे टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग मोड समझाने वाला हूं। आप एकदम पेशेंस से, थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, लेकिन एकदम पेशेंस से इसको देखना। एक बार में आपको सारे के सारे एड्रेसिंग मोड समझ में आ जाएंगे, और एक बार आप अगर इसको देख लिए तो आपको क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत, परेशानी, तकलीफ नहीं होगी। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एड्रेसिंग मोड। तो क्या होता है ये एड्रेसिंग मोड, तो देखिए अभी तक के हमने क्या जाना है मशीन इंस्ट्रक्शन में, कि अलग अलग टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। वन एड्रेस हो सकता है, जीरो एड्रेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अलग अलग हम लोग मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पे बेस्ड अलग अलग तरीके से हम लोग अपने मेमोरी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ये हमने सीखा है। तो भैया हमारे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में ये तो ऑपकोड होगा, इस तरफ लिखा होगा एड सबट्रैक्ट जो भी लिखा हो, ठीक है। इस तरफ हम लोग का क्या होता है, एड्रेस होता है। किसका एड्रेस होता है, लड्डू का होता है क्या? नहीं, ऑपरेंड का हम लोग का एड्रेस होता है। क्या हम लोग को यहां पे ऑपरेंड मिल जाता है क्या? नहीं भाई, जरूरी तो नहीं है यहां पे ऑपरेंड मिल जाए। हां, किसी किसी एड्रेसिंग मोड में आपको यहीं पे ऑपरेंड मिल जाएगा। अपने को जनरली यहाँ पे ज्यादातर क्या मिलने वाला है, एड्रेस मिलने वाला है। आपको आइडिया समझ में आया, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे किस तरीके से एड्रेस मिलेगा, मतलब कुल मिला के मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अपने को यहाँ पर से ऑपरेंट चाहिए। अपने को क्या चाहिए, ऑपरेंट चाहिए। अब ऑपरेंट मेरे को यहाँ पे एड्रेस देगा, ठीक है। अब ऑपरेंट, ऑपरेंट आप समझ लो एक लड्डू है, ठीक है। उस लड्डू को पाने के लिए क्या आपको यहीं पे मिल जाएगा, ठीक है, यहीं पे मिल जाएगा तो वेल एंड गुड, आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। और अगर यहाँ पे नहीं मिलेगा तो वो लड्डू कहाँ पे मिलेगा, उसका पता यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है, एड्रेस लिखा होगा। अब हो सकता है उसके अलग अलग टाइप हैं, तो यही अपने को क्या करना है, यहाँ पे लड्डू ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे, एक एक करके चलते हैं। देखिए this is defined by the addressing mode, ये कौन define करेगा, addressing mode define करेगा कि यहाँ पे क्या होने वाला है, क्या उस जगह का address होने वाला है जहाँ पे मेरे को लड्डू मिलेगा, मतलब operand मिलेगा, या फिर हम लोग को यहीं पे लड्डू मिल जाएगा, अपने को ढूंढना है यहाँ पे। तो देखिए देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एड्रेसिंग मोड शोज द वे वेयर द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। ऑब्जेक्ट में भी इंस्ट्रक्शन या फिर डेटा, अब कुछ भी हो सकता है, इंस्ट्रक्शन भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। देखिए आप अपने मेमोरी में या तो इंस्ट्रक्शन भी लोड कर सकते हैं, ठीक है। इंस्ट्रक्शन का भी कुछ ना कुछ एड्रेस होगा कि नहीं होगा, भाई बिल्कुल होगा, ठीक है। या तो आप इंस्ट्रक्शन लोड करेंगे या तो आप डेटा लोड करेंगे, एक एक करके चलेंगे, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। द आउटपुट ऑफ द एड्रेसिंग मोड क्या होता है, इफेक्टिव एड्रेस होता है, इफेक्टिव एड्रेस। तो हम लोग का पूरा जो गेम है वो किस पे होगा, इफेक्टिव एड्रेस पे होगा, कि हम लोग इफेक्टिव एड्रेस का मतलब क्या होता है, उस लड्डू का एड्रेस क्या है, उस ऑपरेंड का एड्रेस क्या है, अपने को क्या ढूंढना है, ऑपरेंड ढूंढना है। तो ऑपरेंड का जो एड्रेस है, ओरिजिनल एड्रेस है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एड्रेस बोलते हैं। ये वो एड्रेस है जहां पे मेरे को अपना लड्डू मिल जाएगा। आपको आईडिया समझ में आया, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर यहां पे क्या लिखा हुआ है, इफेक्टिव एड्रेस इज द एक्चुअल एड्रेस वेयर द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं जनरली, ये ब्रैकेट का मतलब होता है वैल्यू एट, ठीक है, वैल्यू एट। और ये क्या है, मेरा इफेक्टिव एड्रेस है। एड्रेस पे वैल्यू जो होगा वो मेरे को क्या दे देगा, ऑब्जेक्ट दे देगा। ऑब्जेक्ट मतलब या तो ऑपरेंड दे देगा, या तो इंस्ट्रक्शन, या फिर जो भी हम लोग का मेमोरी में है, जो भी हम लोग को चाहिए वो चीज अपने को मिल जाएगा। ये क्या है, कंटेंट ऑफ इफेक्टिव एड्रेस। ये इस तरीके से ब्रैकेट बना के अगर हम लोग लिखे तो इसका मतलब होता है वैल्यू एट दिस इफेक्टिव एड्रेस। तो इसका मतलब होता है कंटेंट ऑफ इफेक्टिव एड्रेस, ठीक है, बहुत बढ़िया। पॉइंट क्या लिखा हुआ है, एड्रेसिंग मोड इज यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शन नॉट फॉर सीपीयू। तो इसका मतलब क्या, एड्रेसिंग मोड जो हम लोग यहां पे यूज करें ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा, इंस्ट्रक्शन के लिए होगा। आपके सीपीयू को इससे कोई लेना देना नहीं होगा, अपने को सिर्फ यही ढूंढना है कि हमारा जो इंस्ट्रक्शन है या फिर इंस्ट्रक्शन के अंदर जो हम लोग को ऑपरेंड चाहिए वो ऑपरेंड कहां पे रखा हुआ है, हम लोग सिर्फ इसके ऊपर चर्चा करेंगे। सीपीयू के द्वारा जो जनरेट किया गया एड्रेस है वो सब हम लोग को यहां पे नहीं देखना है, इंस्ट्रक्शन के लिए ही एड्रेस, इंस्ट्रक्शन का ऑपरेंड के लिए एड्रेस है, सीपीयू के इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको एडिशन में, ठीक है। तो देखिए देयर आर डिफरेंट कन्वेंशन यूज टू इंडिकेट डिफरेंट एड्रेसिंग मोड। ये इस तरीके से हम लोग के अलग अलग एड्रेसिंग मोड्स हैं, ठीक है, और भी होते हैं। एक सबसे सिंपलेस्ट वर्जन हम लोग का इम्प्लाइड मोड, ये भी होता है, ठीक है। एक एक करके सबके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, आप घबराइए मत, ठीक है। यहाँ पे मैं बस लिख दिया हूँ, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है, उसके पहले इम्प्लाइड भी है। इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड सबसे सस्ता, सबसे ईजी, ठीक है। उसके बाद फिर इमीडिएट है, इमीडिएट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, हैश लगा देते हैं, कहीं आई लगा देते हैं। इनडायरेक्ट के लिए एट द रेट यूज करते हैं, ओपन वाला ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट के लिए ये क्लोज वाला ब्रैकेट यूज करते हैं। रजिस्टर वाले, रजिस्टर के भी अलग अलग टाइप्स हैं, ठीक है। रजिस्टर डायरेक्ट है, रजिस्टर इनडायरेक्ट है, फिर इंडेक्स रजिस्टर है, ठीक है। फिर रिलेटिव एड्रेसिंग मोड है, बेस एड्रेसिंग मोड है, ठीक है। एक एक करके अपन एक एक चीज डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे पॉइंट आप जरूर उसको नोट करना, ठीक है, अगर आप नोट करते हो तो, ठीक है। सारे के सारे कहीं ना कहीं गेट एग्जाम में पूछा होगा, एक एक पॉइंट आपको यहां पे देखना होगा, क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एक एक एड्रेसिंग मोड को।
तो देखिए पहला जो हम लोग का है यहाँ पे इम्प्लाइड मोड, इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड या फिर इम्प्लिसिट एड्रेसिंग मोड इसको बोला जाता है, सबसे सिंपलेस्ट सबसे इजी। देखिए यहाँ पे मैं पहले आपको आइडिया बता रहा हूँ, उसके बाद एक बार पॉइंट्स को रीड कर लेंगे। क्या है यहाँ पे, अपने को कोई एड्रेस की जरूरत ही नहीं पड़ती है असलियत में, ठीक है। अपने को यहाँ पे एड्रेस मत दो, हम लोग का इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हम लोग को पता चल जाएगा कि अपने को क्या करना है। नहीं चाहिए तुम्हारा एड्रेस, ठीक है, ये यही बोलता है नहीं चाहिए तुम्हारा एड्रेस, रख लो तुम, ठीक है। जैसे कि इंक्रीमेंट एक्यूमुलेटर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग एक्यूमुलेटर बेस्ड मशीन का अगर मैं यूज कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या है INC A का मतलब ऑब्वियस है, उसको थोड़ी ना चाहिए भैया, यहाँ पे जो भी एक्यूमुलेटर में प्रेजेंट है उसको एक बढ़ा दो, इसको नहीं चाहिए भैया तुम्हारा एड्रेस, रख लो तुम, इसको पहले से ही पता है इसको क्या करना है, ठीक है। तो इसको कोई इफेक्टिव एड्रेस की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के डेफिनेशन में ही हम लोग को ऑपरेंड मिल गया, ठीक है, इंस्ट्रक्शन के डेफिनेशन में ही हम लोग को ऑपरेंड मिल गया। तो क्या मेरे को जरूरत है क्या एड्रेस की, नहीं है। तो इंक्रीमेंट A का मतलब ऑब्वियस है, उसको पता है कि भैया मेरे को एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू प्रेजेंट है उसको 1 से बढ़ा के एक्यूमुलेटर में डाल दूंगा, ठीक है। CRC कैरी फ्लैग, कैरी फ्लैग का मतलब कुछ नहीं, उसके उसको पता है भैया उसको डिलीट करना है, जो भी चीज रखा हुआ है कैरी फ्लैग में अगर वो सेट है, तो अगर ये 1 था तो उसको कैरी फ्लैग को डिलीट कर दो। तो अगर हम लोग का कैरी फ्लैग सेट था तो वहां पे उसको क्या कर दो, क्लियर कर दो, ठीक है। कैरी फ्लैग देखो यहां पे 0 हो गया, आपको आइडिया समझ में आया। यहां पे उसको कोई भी जरूरत है क्या ऑपरेंड की, नहीं है जरूरत भैया, इफेक्टिव एड्रेस नहीं चाहिए इसको। कॉम्प्लीमेंट एक्यूमुलेटर, तो जो भी एक्यूमुलेटर में रखा हुआ है उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, नहीं चाहिए तुम्हारा एड्रेस, ठीक है। एड, अगर मैं इस तरीके से लिखा हूं 0 एड्रेस का यूज कर रहा हूं, 0 एड्रेस मतलब स्टैक बेस्ड वाला, तो इसको पता है भैया कि हम लोग के स्टैक में 2 ऑपरेंड को निकालना है, जो टॉप ऑफ द स्टैक है उसके पे एक पहला वाला वैल्यू, 2 ऑपरेंड को निकालना है और मेरे को ऐड मार देना, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा एड्रेस, ऐड लिख दिया हूं, ठीक है। मैं स्टैक में जाऊंगा, इस तरीके से हम लोग का ऑपरेंड पहला, दूसरा ऑपरेंड, फिर यहां पे ऐड आया, तो जैसे ही यहां पे ऐड आया तो इसको पता है भैया इसके नीचे के जो ऑपरेंड है इसको निकालना है, ऐड मारना है, वापस से इसमें डाल देना है, ठीक है। इसको नहीं चाहिए तुम्हारा इफेक्टिव एड्रेस, आपको आईडी समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो यहां पे एक-एक करके रीड मार लेते हैं। ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इंप्लिसिटली इन द डेफिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि मैं आपको बताया, द डेटा इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द ऑपकोड इटसेल्फ, ठीक है। इफेक्टिव एड्रेस इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज ऑपरेंड इटसेल्फ प्रेजेंट विद ऑपकोड, ठीक है। यहां पे पहले से ही अपने को पता रहता है, जैसे इंस्ट्रक्शन के साथ ही हम लोग का क्या होता है ऑपरेंड होता है, तो अपने को यहां पे कोई एड्रेस नहीं चाहिए। यूज्ड फॉर 0 and 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, आपको आइडिया समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल सा एड्रेसिंग मोड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। तो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या होता है, दिस एड्रेसिंग मोड इज यूज टू एक्सेस द कंटेंट दैट आर कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब क्या, जैसे अगर हमारे प्रोग्राम में कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू है, जैसे इस तरीके से मेरे प्रोग्राम में कहीं ऐसे इस तरीके से लिखा है मेन फंक्शन है, फिर इस तरीके से कहीं पे कॉन्स्टेंट वैल्यू है जो कि बदल नहीं रही है, जैसे पाई ले लो या फिर कोई भी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू जो बदल नहीं रही है, अगर मेरे को कॉन्स्टेंट वैल्यू को एड मल्टीप्लाई कुछ भी यहाँ पे करना है, तो भैया मेरे को वहां पे उसको एड्रेस देने की क्या जरूरत है, मैं तो इसको सीधा यहीं पे दे दूं, मेरे को पता है कि यही वाले डेटा को वहां पे ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है। जैसे यहां पे लिखा हुआ है, एग्जांपल से समझते हैं, ऐड R0, 3, इसका मतलब 3 को मेरे को ऐड करना है, तो भैया क्यों मैं पहले 3 को स्टोर करवाऊं, उसके बाद फिर मैं पहले 3 को वहां पर से लेके आऊं और 3 को लेके आने के बाद जो भी यहां पे प्रेजेंट है उसके साथ ऐड करूं, भैया इतना मेहनत नहीं करना है अपने को। यहां पे अपन क्या किए, ऑपकोड है, ऐड सबट्रैक्ट जो भी है यहां पे मैं लिख दिया, जो भी मेरे को चाहिए यहां पे डेटा मैं डायरेक्टली डाल दिया, अपने ऑपरेंड को डाल दिया। देखो यहां पे ऑपरेंड क्या है, ऑपरेंड यहां पे एक R0 का कंटेंट है और है, तो मैं 3 को क्यों यहां पर से लेने जाऊंगा, मैं क्या करूंगा जिसके साथ भी मेरे को ऐड कराना है तो ऑपरेंड को मैं डाल दूंगा यहीं पे, डेटा पे ही डाल दूंगा। तो इमीडिएट के केस में मेरे को यहीं पे मिल जाएगा ऑपरेंड, मेरे को कोई एड्रेस देने की जरूरत नहीं, यहीं पे मैं देखूंगा और मेरे को डेटा मिल जाएगा, ऑपरेंड मेरा मिल जाएगा। तो दिस एड्रेसिंग मोड किसके लिए यूज करते हैं, कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं, ध्यान रखना गेट एग्जाम में पूछा ही है, ठीक है। इन दिस मोड द डेटा इज प्रेजेंट इन द एड्रेस फील्ड इटसेल्फ ऑफ द इंस्ट्रक्शन, डेटा यहीं पे होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे दिक्कत यह है कि देखिए यहां पे अपने बस कुछ ना कुछ इसके लिए बिट्स रिजर्व होंगी, ठीक है। मान लीजिए कि ये हम लोग का 16 बिट का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ जो डेटा है हम लोग का वो कहां से कहां 0 से लेके 2 की पावर 12 - 1 तक के ही रेंज है। इससे बड़ा अगर मैं यहां पे डेटा डालूंगा तो क्या वो आ पाएगा क्या यहां पे, भैया बिल्कुल नहीं आ पाएगा, कैसे आएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका बस लिमिटेशन यही है कि डेटा जो भी आपका स्टोर हो रहा है वो लिमिट के रेंज में होना चाहिए, ठीक है। इससे बड़ा आप अगर डेटा डालने की कोशिश करोगे तो यहां पे आ जाएगी गड़बड़, ये नहीं स्टोर होगा। आपको आईडिया समझ में आया, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे जब भी आपको कोई कांस्टेंट को यूज करना हो जो कि प्रोग्राम में नहीं बदलता हो, देखो वेरिएबल नहीं है ये जो हम लोग का 3 है ये वेरिएबल नहीं है, R0 में R0 प्लस 3 करना है यहां पे, तो कंटेंट ऑफ रजिस्टर जो भी है यहां पे इसमें अगर हम लोग को कांस्टेंट का मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट कुछ भी करना है, तो अगर मेरे को कांस्टेंट को एक्सेस करना है तो मैं कौन सा वाला एड्रेसिंग मोड यूज करूंगा, इमीडिएट एड्रेसिंग मोड को यूज करूंगा, जहां पे मैं क्या करता हूं ऑपकोड के साथ ही मैं यहां पे इंस्ट्रक्शन के अंदर ही डाल देता हूं ऑपरेंड को, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है।
अब यहीं पे देखो आपका ऑपरेंड आपको मिल जाएगा। आपको आइडिया समझ में आया, बहुत बढ़िया। अगला एड्रेसिंग मोड देखते हैं। अगला देखते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। तो चलिए डायरेक्ट को बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। दिस एड्रेसिंग मोड इज यूज टू एक्सेस स्टैटिक या फिर ग्लोबल वेरिएबल। तो जो वेरिएबल होते हैं हम लोग के, अगर मेरे को उनको एक्सेस करना है तो मैं कौन सा ले एड्रेसिंग मोड का यूज करता हूँ, जनरली डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का यूज करता हूँ। इसका मतलब क्या होता है ये समझते हैं। देखिए इसको ये भी बोलते हैं ना एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कुछ भी देके पूछ सकता है, एब्सोल्यूट एड्रेसिंग मोड भी बोल सकता है और डायरेक्ट भी बोल सकता है। गेट एग्जाम में एब्सोल्यूट भी बोला है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसका देखिए ये आपके पास इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में यहाँ पे आपका ऑपकोड है, ठीक है, और यहाँ पे आपका एड्रेस है। ये एड नहीं है ना, ये एड्रेस है। तो देखिए ये यहाँ पे जो भी एड्रेस लिखा होगा ना, वो एड्रेस पे आप मेमोरी पे जाओगे। ये अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, डायरेक्ट वाला मेमोरी के लिए, ठीक है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड किसके लिए ही है, मेमोरी के लिए। बिल्कुल ऐसा हम लोग का रजिस्टर के लिए भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी एड्रेस लिखा होगा ना, अब वो एड्रेस पे मेमोरी के वो वाले एड्रेस पे जाना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर ये मेरा इंस्ट्रक्शन है, ये ऑपकोड, और यहाँ पे 103 लिखा हुआ है। तो मेमोरी के 103 वाले एड्रेस पे आप जाओ, उस जगह पे देखो उस रूम के अंदर कौन बैठा हुआ है। ये 10 बैठा हुआ है, तो ये लड्डू आपको चाहिए था, ये जो 10 है ये आपको चाहिए था, ये आपका ऑपरेंट है। और इफेक्टिव एड्रेस क्या हो गया मेरे को, जहां पे ये ऑपरेंट मेरे को मिला, मतलब कि 103 मेरा क्या हो गया, इफेक्टिव एड्रेस हो गया। तो इस तरीके से लिखा जाता है इसको, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है, ये वाला ब्रैकेट और 103, इसका मतलब इफेक्टिव एड्रेस पे वैल्यू क्या है हम लोग का, ऑपरेंट है, ठीक है। तो ये 10 आ गया मेरा वैल्यू, ठीक है। आपको आइडिया समझ में आया क्या है, बहुत सिंपल है। ध्यान में रखने वाली बात क्या है, यहां पे वन मेमोरी रेफरेंस लगता है हम लोग को यहां पे एक्सेस करने के लिए डेटा। ये आप ध्यान रखना, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा अभी क्वेश्चन, ठीक है। अगले वाले वीडियो में अपन ढेर सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, गेट एग्जाम के क्वेश्चन लगाएंगे। अपने को यहां पे कितना मेमोरी रेफरेंस लगा, 1, क्योंकि अपन गए मेमोरी के पास, मेमोरी रेफरेंस अपने को लग गया, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर ऐसे लिखा है एड 105 में जो भी प्रेजेंट है और 103 में जो भी प्रेजेंट है। तो मान लो यहाँ पे 105 में 20 प्रेजेंट था और अपना 103 में 10 प्रेजेंट है। तो देखो कैसे हो रहा है, यहाँ पे एड 105 में जाओ भैया, वहां पे डेटा क्या है, इस तरीके से लिखा मैं 105 में जो डेटा है प्लस 103 में जो डेटा है। तो इसमें डेटा क्या है, 20 है, इसमें डेटा क्या है, 10 है। दोनों को एड मारो, कहाँ पे डाल दो भैया, इस वाले में, ठीक है, 105 में डाल दो। अब 105 में कौन चला जाएगा हम लोग का, 30 चला जाएगा। आपको आइडिया समझ में आया क्या हो रहा है पे, देखो इस तरीके से 30 कहां चला गया हम लोग का, 105 में, ठीक है। मतलब 105 में जो वैल्यू है वो क्या है हम लोग का, 30 है। मेरे हिसाब से आपको आईडी समझ में आया होगा डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड का। अब बिल्कुल इसी के जैसा हम लोग का रजिस्टर मोड भी हो सकता है, यही काम मैं रजिस्टर के साथ भी कर सकता हूं। तो ये जो रजिस्टर वाला लिखा है ना, ये डायरेक्ट वाले के केस के लिए, ठीक है। डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है किसके लिए, रजिस्टर वाले के। तो रजिस्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी बोलते हैं इसको कई लोग, ठीक है। इनडायरेक्ट भी अभी देखेंगे, पहले डायरेक्ट वाला समझते हैं, एक साथ इनको खत्म करते हैं, अलग अलग नहीं, ठीक है, एक साथ। तो यहाँ पे डायरेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो हम लोग का ये इस तरीके का इंस्ट्रक्शन है, ये मेरा ऑपकोड है। ये ऑपरेंड में पिछली बार एड्रेस लिखा होता था किसका, मेमोरी का, इस बार यहाँ पे रजिस्टर का नंबर लिखा होगा, ठीक है, रजिस्टर का नंबर। कैसे, ये देखिए मेरे पास रजिस्टर क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं नंबर में। तो ये देखिए ये मेरे पास रजिस्टर है, मेरा डेटा इस बार कहाँ पे प्रेजेंट है, रजिस्टर में प्रेजेंट है, ठीक है, रजिस्टर में। क्यों प्रेजेंट होगा रजिस्टर में, मेमोरी में अच्छा नहीं लग रहा था क्या उसको, भैया मेमोरी में अगर होगा तो मेरे को उधर से निकालने में डेटा को टाइम लगेगा, लेकिन अगर रजिस्टर में है, अपने को पता है, या फिर कैश में है, तो अपने को डेटा को रिट्राइव करना काफी जल्दी हो जाएगा, काफी फास्ट होगा। तो मेरा इस बार डेटा कहां पे, रजिस्टर में आ गया है। तो रजिस्टर से कैसे निकाला जाए, तो देखिए यहां पे अलग अलग रजिस्टर के, क्योंकि लिमिटेड नंबर में होते हैं, तो रजिस्टर का ये नंबर है, ये R0 रजिस्टर है, ये R1 रजिस्टर है, ये R2 रजिस्टर, इस तरीके से नंबर है। तो यहां पे जो भी नंबर लिखा होगा, यहां पे बाइनरी में लिखा है, तो जो भी नंबर यहां पे हम लोग को बाइनरी में मिला, रजिस्टर का नंबर मिला, उस रजिस्टर में अपन कूद जाएंगे और उस जगह पे जो डेटा मिलेगा अपने को वो क्या होगा, ऑपरेंड होगा। लेकिन ध्यान रखना, उसके पहले आपको यहां पे लोड करना होगा ये रजिस्टर को, ठीक है, बहुत बढ़िया। एग्जांपल क्या है यहां पे, लोड R1, लोड किया अपन R1 को सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक्यूमुलेटर बेस्ड मशीन को अगर यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे लोड R1 का मतलब क्या, लोड R1 का मतलब ये R1 हम लोग का लोड हो गया है, हम लोग अपने डेटा को यहाँ पे पहले लोड करवा दिए हैं। उसके बाद फिर ये होता है, इसका मतलब R1 में जो डेटा वैल्यू प्रेजेंट है वो डाल दो कहाँ पे, एक्यूमुलेटर में। तो अपने वो कैसे मिलेगा यहाँ पे डेटा, तो देखो इफेक्टिव एड्रेस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये R1। इस तरीके से इसको लिखा जाता है, रजिस्टर के केस में ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, डायरेक्ट वाले के लिए।
ठीक है। तो इस तरीके से लिखा है, इसका मतलब कंटेंट ऑफ आर वन पे, अगर मान लीजिए मेरा ये रजिस्टर मान लेते हैं आर वन है, ठीक है, इसका रजिस्टर का नंबर आर वन है, ठीक है, वैसे भी ये वन है, ठीक है, तो मैं बोल दिया कि रजिस्टर आर वन है, तो यहाँ पे हम लोग को मिला आर वन वाले रजिस्टर पे जाओ, तो पहले मैं लोड तो करा दिया, उसके बाद ये आर वन वाले में जो भी डेटा प्रेजेंट है उसको मैं डाल दिया एक्यूमुलेटर में। तो अगर मेरे को यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस पूछेगा ना, तो मैं क्या बोलूंगा, जो भी हम लोग का आर वन है, आर वन, ये आर वन का मतलब है 0001, ठीक है, 0001, इस जगह पे जो वैल्यू है वो आपको दे देगा ऑपरेंड का वैल्यू। तो यहाँ पे इफेक्टिव एड्रेस क्या हो गया, जो रजिस्टर का नंबर है वही इफेक्टिव एड्रेस हो गया। तो मेरे हिसाब से आपको आईडिया समझ में आया होगा। अब इसमें एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ये मैं यहाँ पे लिखा हूं। अगर आपके पास एन रजिस्टर है, नंबर ऑफ बिट्स फॉर ऑपरेंड कितना होगा, तो यहाँ पे आपसे वही पूछ रहे हैं, अगर आपके पास एन रजिस्टर है तो आप खुद ही सोच के देखो, अगर आपके पास एन रजिस्टर है तो कितने एड्रेस पॉसिबल है, 2n पॉसिबल है भाई, बिल्कुल पॉसिबल है, 2n एड्रेस वहां पे पॉसिबल है। अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर है तो भैया आपको जो है नंबर ऑफ ऑपरेंड बिट्स हम लोग का कितना हो सकता है, जितना ये इसका साइज होगा, ठीक है, जितना इसका साइज होगा उतना ही बड़ा तो ऑपरेंड होगा ना, ठीक है, तो 2 का पावर देख लो या फिर जितने बिट्स हैं या फिर log base 2n ले लो, ठीक है, ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर दूसरा एक क्वेश्चन डिजिटल से रिलेटेड ऐसा, इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेट करेगा, हो सकता है मे बी मैं अगला जो मेरा कोर्स है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे हो, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली होगा ही वो, ठीक है, इस वाले कोर्स के बाद। तो यहाँ पे इस तरीके से वहां पे मैं आपको फिर से बताऊंगा ये सब, लेकिन यहाँ पे मैं छोटा सा आपको हिंट दे देता हूँ, ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेट करके कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इफ साइज ऑफ रजिस्टर इज एन बिट, अगर आपके साइज ऑफ रजिस्टर आपका एन बिट है, एंड इफ ऑपरेंड इज स्पेसिफाइड इन 2s कॉम्प्लीमेंट, और आपका ऑपरेंड जो है वो 2s कॉम्प्लीमेंट में स्पेसिफाइड है, तो इसका मतलब मैक्सिमम साइज आपके ऑपरेंड का कितना हो सकता है, तो वो हो सकता है 2n-1-1 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 2s कॉम्प्लीमेंट में किसी वैल्यू का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड कितना हो सकता है, तो भैया इतना हो सकता है, किसके केस में, 2s कॉम्प्लीमेंट वाले केस में, ठीक है। तो अभी अपन ज्यादा डिजिटल में नहीं जाते, अभी जितना काम का है सिर्फ उतना मैं आपको बता दिया, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। और यहां पे इससे फायदा क्या हुआ अपने को, देखो फायदा ये होता है कि जो हम लोग का साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन है ना वो छोटा हो गया। कैसे साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन छोटा हो गया, क्योंकि भैया अभी तक के हम लोग डायरेक्ट वाले केस में क्या कर रहे थे, मेमोरी में जा रहे थे, अब मेमोरी का साइज कितना बड़ा हो सकता है भैया, 1K 2K इस तरीके से, 1GB भी हो सकता है, 1TB भी हो सकता है, मेमोरी का साइज बहुत बड़ा है। अब जितना बड़ा मेमोरी का साइज होगा उतना बड़ा यहां पे मेरे को डायरेक्ट के केस में एड्रेस रखना होगा, ठीक है, तो वो क्या है, बड़ा हो जाएगा इंस्ट्रक्शन, जो हम लोग का इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है वो काफी बड़ा हो जाएगा, अपने को क्या करना है इंस्ट्रक्शन को काफी छोटे से छोटा रखना है, ठीक है। तो उसके केस में हम लोग क्या किए, हम लोग का मेमोरी तो ठीक है बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, लेकिन हम लोग का रजिस्टर तो लिमिटेड नंबर में है ना, तो अपन वहां पर से डेटा को रजिस्टर में ले आए। अब डेटा को अगर रजिस्टर में ले आए तो रजिस्टर का नंबर डालूंगा तो उस मेमोरी के कंपैरिजन में काफी छोटा होगा, तो मेरा साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो यहां पे वही लिखा हुआ है, साइज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज स्मॉल सिंस रजिस्टर आर लेस इन नंबर, ठीक है। रजिस्टर एड्रेसिंग मोड अपना फास्टर होता है डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड से, ये तो ऑब्वियस पॉइंट है, ये तो अपने को पता ही है, ठीक है।